तो गाइस S12 वॉच, S12, S9 भी बोलते हैं इस वॉच को, एमोलेड डिस्प्ले में आपको देखने को मिल जाएगी। ये वेरिएंट है 2 GB वाला, कुछ इस तरीके से आपको इसके वॉलपेपर्स देखने को मिल जाएंगे। और देख सकते हो आप इसके वॉलपेपर, जब आप टैप करते हो इसके ऊपर तो इसके वॉलपेपर्स चेंज होते हैं बिल्कुल ही ओरिजिनल वॉच की तरह। तो ये देख सकते हो इसके वॉलपेपर बहुत ही ओरिजिनल लुक की तरह आपको देखने मिल जाएंगी। ये S12 मॉडल है और इसको VIVAR S9 भी बोलते हैं। तो इस टाइप के इसके आपको वॉलपेपर देखने को मिल जाएंगे। पूरी की पूरी आपको स्क्रीन आपके सामने लाइव देखने को मिल जाएगी। इस टाइप से आप इसके वॉलपेपर भी चेंज कर सकते हैं। शॉर्टकट बार आपको ऊपर की तरफ, वाईफाई, ब्लूटूथ, डू नॉट डिस्टर्ब, एयरप्लेन मोड, सब कुछ सिम वाले की तरह आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप इसको बैक करके बटन क्लोज करते हैं स्क्रीन को। यहाँ से आप इसके मेनू स्टाइल देख सकते हैं। प्ले स्टोर में से डाउनलोड कर सकते हैं, पबजी, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, कैमरा, प्ले स्टोर, सब कुछ इसमें अवेलेबल है। फोटोज़ क्लिक कर सकते हैं। तो देख सकते हो आपके सामने ये इंस्टाग्राम ओपन करके आप इसमें इंस्टाग्राम आईडी, ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के इंस्टाग्राम यूज़ कर सकते हैं। व्हाट्सएप में आप व्हाट्सएप में अकाउंट डाल के इसमें अपना नंबर डाल के व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हैं। फेसबुक में अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के आप इसमें फेसबुक भी यूज़ कर सकते हैं। तो बेहद ही बढ़िया S9 सिम वाली वॉच है ये आपके सामने। यहाँ से आप इसको पॉपअप करके कैमरा भी देख सकते हैं। आगे और पीछे कैमरे को रोटेट कर सकते हैं। रोटेट वाली वॉच इसमें देखने को मिल जाएगी। देख सकते हो सामने वाला कैमरा और ये देख सकते हो मेरा सीन, आप पूरा को पूरा देख सकते हैं। यहाँ पे टैप करके इसको कैमरे की पोजीशन सेट करनी पड़ती है। तो ये इसमें पॉपअप कैमरा भी देखने को मिल जाएगा कुछ इस टाइप से। बिग बिलियन स्टोर में लाइव वीडियो है ये। उसके बाद आपको इसकी एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगी जो कि आप प्ले स्टोर में से डाउनलोड कर सकते हैं। सिम के लिए सिम इंजेक्टर आपको दिया है, उससे आप सिम कार्ड को निकाल के यहाँ पे सिम डाल के इसमें आप सिम 4G सिम डाल सकते हैं, जियो का हो या कोई भी कंपनी का हो। इसमें 4G सिम डाल के आप इसमें नेट चालू कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं पबजी। पबजी BGMI गेमिंग्स ये सपोर्ट करता है क्योंकि इसमें 2 GB का रैम देखने को मिल जाएगा और 16 GB इंटरनल। तो इस तरीके से आप इसमें पबजी भी चला सकते हैं और बेहद ही बढ़िया तरीके से इसमें पबजी चला सकते हैं आप। ऐसा नहीं है कि हैंग होगा, हैंग भी नहीं होगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से आप इसमें पबजी खेल सकते हैं। देख सकते हो आपके सामने मैंने इसमें पबजी लॉगिन और डाउनलोड और लॉगिन दोनों कर लिया है। तो थोड़ा टाइम लगता है लॉगिन होने में, बट हो जाता है ऑन। इसमें पबजी वगैरह थोड़ा टाइम लगता है बस लोडिंग में। इसमें 2 GB रैम वाली S9 में आप इसमें देख सकते हो आपके सामने ही मैं खेल रहा हूँ पबजी। यहाँ पर मैंने लोकेशन सेट कर दी और मैं उसी लोकेशन पर और नीचे उतरने वाला हूँ। तो ये देख सकते हो आप इसमें पैराशूट का भी ऑप्शन आ रहा है। पैराशूट ओपन करके और नीचे जाएंगे तो 2 GB वाले वर्जन में आपको पबजी खेलने को मिल जाएगा। 1 GB वाले में नहीं मिलेगा, बट 1 GB में थोड़ा बहुत रैम की वजह से थोड़ा बहुत नहीं चलता है। तो 2 GB वाला वेरिएंट है ये S9 वाला, जो कि आता है 2 GB और 16 GB में आता है। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आप इसमें गेमिंग वगैरह और प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं गेम्स, और व्हाट्सअप हो गया, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट वगैरह जो सोशल मीडिया एप्लीकेशन है पूरे के पूरे आप इसमें डाउनलोड कर सकते हैं और यूज़ भी कर सकते हैं। पीछे को आपको इसमें बटन मिल जाएगा जो कि ओरिजिनल में आता है और स्क्रू भी ओरिजिनल मिलेंगे। इस तरीके से आपको इसका मेनू स्टाइल देखने को मिल जाएगा जो कि स्लाइड पे जूम और जूम इन और जूम आउट होता है जब भी आप इसको स्लाइड करते हो। तो यहाँ पे आपको प्ले स्टोर देखने को मिल जाएगा। कोई भी चीज़ आपको सिंपली यहाँ से डाउनलोड करके आप इसमें वॉच में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पबजी हो गया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, सारी चीज़ें आप इसमें डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी यूट्यूब चला रहा हूँ तो बिग बिलियन स्टोर आपके सामने यूट्यूब में मैंने सर्च कर दिया है और उसकी सारी रील्स आप इसमें वॉच में भी देख सकते हैं। तो कोई भी वीडियो हो गया, 4K हो गया, कुछ भी हो गया, आप इसमें ओपन करके वीडियो देख सकते हैं, यूट्यूब पे गाने सुन सकते हैं, हेडसेट कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से S9 Ultra इसको बोल सकते हो आप सिम वाली में, जो कि एमोलेड डिस्प्ले में आपको देखने को मिल जाएगी। सारी एप्लीकेशन चला सकते हैं प्ले स्टोर में से। आप इसको सिंपली इसमें गूगल आईडी डाल के पूरा का पूरा मोबाइल की तरह इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें केस भी लग जाता है 49mm का, जो जो लोग बोलते हैं इसमें केस जो एसेट होती है उसमें नहीं लगते हैं। तो इसमें आप केस भी फिट कर सकते हो और लगा सकते हो। बस थोड़ा बहुत वो स्पीकर वगैरह का थोड़ा बहुत रहता है इश्यू, पर आप यूज़ कर सकते हैं। बटन वगैरह सब कुछ काम करता है इसमें। बैक बटन है, लॉक बटन हो गया, सारे बटन से वर्क करते हैं। बस जो सिम वाला है, जब आप इसमें सिम इंसर्ट करो तब इसमें कवर निकालना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा बहुत इसका नीचे तक रफ रहता है और स्पीकर्स भी थोड़े ऊपर रहते हैं। तो
तो ये थोड़ी दिक्कत कवर में आपको देखने को मिल जाएगी, बट प्रोटेक्शन पूरा देगा आपको ये कवर। तो 49 mm का कवर भी लगा सकते हैं, कुछ वायरलेस चार्जिंग मिल जाएगा आपको इस तरीके से, इसको आप चिपका के इसमें वायरलेस चार्जिंग भी कर सकते हैं।